आपको बताएंगे कि आखिर जम्मू कश्मीर के अंदर अब कौन सा ऑर्डर सामने आया है। दरअसल जम्मू कश्मीर प्रशासन की बात करें तो एक कमेटी गठित की गई है और आपको जानकारी दे देते हैं कि गिरफ्तार नेताओं के केस पर कमेटी पूरी नजर रखेगी। दरअसल आतंकियों की मदद करने वालों की रिहाई नहीं होगी और कैदियों की रिहाई पर पिछले दिनों हमने देखा भी था कि सर्वदलीय बैठक में भी बातचीत हुई थी। हालांकि अगर बात करें तो ये कहा जा रहा है कि आतंकियों की जो मदद करते थे उनकी रिहाई फिलहाल नहीं होगी और गिरफ्तार नेताओं के केस पर पूरी तरीके से नजर रखी जाएगी। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं क्योंकि तो जम्मू कश्मीर प्रशासन ने दरअसल कमेटी को गठित कर दिया है और जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से इस कमेटी को गठित किया गया है। और आपको ये भी बता रहे हैं कि जिस तरीके से पिछले दिनों हमने देखा कि मांग की गई उन नेताओं की भी कि उन्हें रिहा कर दिया जाए, लेकिन ये कहा जा रहा है कि अगर वो आतंकियों के मददगार हैं तो उनकी रिहाई नहीं होगी और जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से फैसला लिया गया, जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से कमेटी गठित की गई है और वो कमेटी उनके केस पर पूरी नजर रखेगी। जो गिरफ्तार इस वक्त नेता हैं उनका केस चल रहा है, उस केस पर पूरी नजर प्रशासन रखेगा। और ये जानकारी भी हम आपको दे रहे हैं कि अगर आतंकियों की कोई मदद कर रहा है तो उसकी रिहाई नहीं होगी। सैयद रऊफ इस वक्त जुड़ रहे हैं, हमारे सीनियर साथी हैं, तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सैयद बहुत बहुत शुक्रिया पांच के पंच में हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्या खबर, आप भी हमारे दर्शकों को अपडेट करेंगे क्योंकि कहा जा रहा है कमेटी गठित की गई है। दिल्ली तक तो आवाज उठी थी और ये कहा गया था कि जो गिरफ्तार नेताएं हैं उनको छोड़ा जाए। फिलहाल ये कह रही है प्रशासन कि आतंकियों के साथ अगर तार जुड़े हैं तो आप जेल के अंदर ही अच्छे हैं। देखिए हर्ष, बिल्कुल जिस तरह ऑल पार्टीज मीटिंग में यहाँ की लीडरशिप गई थी और उससे पहले भी अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जो कैदी है, जो मुकीद लोग हैं, उनकी रिहाई की बात जो है बार बार यहाँ की लीडरशिप कर रही है। और फिर ऑल पार्टीज मीटिंग में जो प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग हुई थी उसमें तो बाज़ाहिर तौर पर प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर के सामने रखा गया है कि काफ़ी जो लोग हैं, काफ़ी नौजवान हैं, कुछ मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस भी हैं, हुर्रियत के लोग भी हैं जो बंद जेलों में बंद पड़े हैं, उनके उनको रिहा कर देना चाहिए। तो उस हवाले से अब आज तक तो कोई कार्रवाई ना हुई, ना किसी को छोड़ा गया है और बार बार यहाँ की जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज है वो बार बार कह रही कि किसी को भी आज तक नहीं, खासकर अगर पीडीपी की बात करें, पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती बार बार कह रही कि जो मीटिंग बुलाई गई थी तो उससे ये उम्मीद थी कि शायद कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा, थोड़ी बहुत राहत की सांस मिलेगी और जो कैदी है उनको छोड़ा जाएगा। अब बाज़ाहिर तौर पर जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने कमेटी तश्कील दी है और जो केस है उनको केस बाय केस हर मामले की जांच अब होगी। जो भी मनी लॉन्ड्रिंग का मामला होगा या जिसको मिलिटेंट्स के साथ कोई इन्वॉल्वमेंट होगी, उनकी कई मदद की होगी, तो उनको नहीं छोड़ा जाएगा, ये इस ऑर्डर में लिखा गया है। और बाकी जो भी लोग होंगे जो दूसरे केसों में होंगे तो उनके लिए सरकार ने ये नहीं कहा कि उनको छोड़ा जाएगा, पर इनको इन चीजों से दूर रखा गया है, मतलब उनकी रिहाई के इम्कानात हो सकते हैं, मगर जिनको टेरर फंडिंग या जिन्होंने मिलिटेंट्स की मदद की होगी तो उनके लिए सरकार का ये फैसला कि उनकी रिहाई जो है वो मुतवक्का नहीं है। ठीक है, लेकिन दो बातें देख रहे हैं रऊफ हम, जिस तरीके से आपने महबूबा मुफ्ती साहिबा का जिक्र किया है, जब भी हम उन्हें सुनते हैं तो वो कह रही हैं कि बेबुनियाद इल्जाम दरअसल बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं और वो नेता जो कहीं ना कहीं अपनी आवाज को सामने रखते थे, जम्मू कश्मीर की आवाम की आवाज को सामने रखते थे, उनको कहीं ना कहीं जेलों में बंद किया गया है और कह दिया गया है कि उनके तार आतंकियों से जुड़े हैं। लेकिन ये बात सामने आई है और रिपोर्ट कहती है, तभी तो प्रशासन की तरफ से कमेटी गठित की गई है। तो महबूबा मुफ्ती साहिबा आखिर बताने की क्या कोशिश कर रही है? देखिए अगर हर्ष मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस की हम बात करें जिनका जिक्र बार बार हो रहा है, क्योंकि आर्टिकल एब्रोगेशन के बाद जो यहाँ पे माहौल बना, जो यहाँ के सियासी जो लीडरान हैं उनको गिरफ्तार किया गया है और काफी टाइम बंद रहने के बाद वो जो सिलसिला है कहीं ना कहीं अभी भी बरकरार है, मगर अब कुछ ही लोग जो है वो बंद है, खासकर अगर हम इंजीनियर रशीद की बात करें या वहीदुरहमान परा की बात करें, तो महबूबा मुफ्ती जो बार बार इशारा दे रही है वो शायद खासकर ज्यादातर तो वहीदुरहमान परा के हवाले से होगा। अब वहीद और इंजीनियर रशीद का जो मामला है उसमें सरकार ने जिस तरह कहा कि उस वहीद को कई मामला के साथ जोड़ा गया है, टेरर फंडिंग के साथ भी, हिजबुल मुजाहिदीन के साथ वाबस्तगी दिखाई गई है, तो बहुत सारे मामला हैं और इंजीनियर रशीद के हवाले से भी कोई बात अभी सामने नहीं आई है। इस वजह से जो सरकार ने अब क्लियर ये कर दिया है
कि अगर किसी की रिहाई होगी और बात होगी वो इन मामलात को लेकर बाहर हो सकती है, मगर बाकी जो भी अगर कोई नौजवान बंद पड़ा है पत्थरबाजी में या बाकी मामलात में या आर्टिकल एब्लिगेशन के बाद कोई बंद पड़ा है तो उनके हवाले से सरकार सोच सकती है। इस वजह से सरकार ने आज ये फैसला लिया है कि कमेटी जो है सारे मामलात को देखेगी, क्या वाकई में इन पे केस जो लगे हुए हैं वो सही है, उनकी तस्दीक करना बाकी, क्योंकि कई ऐसे भी मामलात हैं जो लगाए गए हैं और फिर उनकी तस्दीक नहीं हो पाई है। तो इस वजह से उन्होंने ये कहा कि एक एक करके हर एक जाविये को अब जांचा जाएगा, परखा जाएगा। ठीक है, लेकिन एक सवाल और लेना चाहूंगा, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि जांचा जाएगा परखा जाएगा तो इसमें तो कोई सवाल खड़ा ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बात करें हम, कमेटी बनी है परखेगी, अगर किसी पर भी आरोप तय नहीं है और किसी भी के भी तार आतंकियों से नहीं जुड़े हुए हैं तो उसकी तो रिहाई कर दी जाएगी, दरअसल यही कमेटी कहती है ना, जहां तक हम समझ पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, तो इसमें जो ये सवाल उठाया जा रहा है, क्योंकि हालांकि पहले सवाल उठाया गया है और कुछ दिन पहले भी हम देख रहे थे कि कुछ दिन पहले भी महबूबा मुफ्ती ये कह रही थी और एनसी लीडर की तरफ से भी कहा गया था, तो इसमें सवाल आखिर क्यों है, जब कमेटी गठित की गई वो जांचेगी परखेगी रिहाई हो जाएगी। देखिए उम्मीद जो इन लीडरान को थी, क्योंकि ऑल पार्टीज मीटिंग के बाद कई प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि दिलों की जो दूरियां हैं उनको खत्म करना है, तो शायद जो हम कह रहे हैं कि अब मामलात को ठीक करना है तो उसमें एक्सपेक्टेड यही था कि जो भी सियासी कैदी है उनकी रिहाई मुतवक्का है और पहले फेज में उनको रिहा किया जाएगा, फिर आगे से कोई पॉलिटिकल प्रोसेस या कोई और प्रोसेस बढ़ा जाएगी। देखिए इंजीनियर रशीद की बात करें, एक पार्टी के वो सदर भी है, अपनी पार्टी चला रहे हैं, तो इस हवाले से वो उम्मीद थी यहाँ की सियासी जमातों को कि उनकी रिहाई मुतवक्का होगी, उनको छोड़ा जाएगा, फिर आगे से जिस तरह इलेक्शन की बात कही जा रही है या बाकी मामला को, तो उसी के जाविये में जो लीडरान है वो बात कर रहे हैं कि उम्मीद थी कि सियासी कैदियों को रिहा किया जाएगा, मगर प्राइम मिनिस्टर के उस मीटिंग के बाद भी कोई ऐसी चीज देखने को नहीं मिली है जिनकी उनको उम्मीद थी। ठीक है रऊफ, कहा जाता है राजनीति में सब कुछ जायज है और ये तो खाली जुबान से बोला जा रहा है, जो बयानबाजी की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ हमारे साथ जुड़ने के लिए, पांच के पंच में आने के लिए और समझाने के लिए कि आखिर मामला क्या था और आखिर इसमें आगे क्या होने वाला है। फिलहाल पांच के